नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल आकाश पर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ थ्री फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर व्हिच कंटेन्स थ्री फेज वाइंडिंग। जब थ्री फेज सप्लाई दी जाती है किसको? वाइंडिंग को, जो कि किस पर रखी गई है? थ्री फेज वाइंडिंग को, जो कि किस पर रखी गई है? स्टेटर पर, जो कि वाइंडिंग 122 डिग्री डिस्प्लेस्ड है मैकेनिकली विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तब क्या होता है? तब एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जब एक थ्री फेज सप्लाई दी जाती है थ्री फेज वाइंडिंग को, जो कि वो वाइंडिंग जो कि 180 थ्री फेज वाइंडिंग जो कि 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है मैकेनिकली विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तब क्या होता है? तब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि स्पीड किस स्पीड पे रोटेट करती है? सिंक्रोनस स्पीड पे विद रेस्पेक्ट टू स्टेटर। तो हमने यहाँ पर एन एस मान ली सिंक्रोनस स्पीड। दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट्स द रोटर कंडक्टर। फिर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर कंडक्टर्स, रोटर पे जो कंडक्टर्स लगे होते हैं उसको कट करती है। फिर उसको कट होने के बाद जब भी, और हम जानते हैं जब भी रोटेटिंग यानी कि मूवेबल मैग्नेटिक फील्ड जब कट करती है, मूविंग मैग्नेटिक फील्ड जब कट करती है कंडक्टर को, तो कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये तो इसी कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है कंडक्टर्स में। फिर द रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड। और हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है? रोटर के कंडक्टर्स जो होते हैं शॉर्ट सर्किट किए जाते हैं एट बोथ द एंड्स पर। ये शॉर्ट सर्किट कर दिए जाते हैं किसके जरिए? एंड रिंग्स के जरिए ये शॉर्ट सर्किट कर दिए जाते हैं रोटर कंडक्टर्स एट बोथ द एंड्स। सो व्हेन द ईएमएफ इज इंड्यूस, तो जब ईएमएफ इंड्यूस होता है रोटर में, तब करंट बिगिंस टू फ्लो इन द रोटर कंडक्टर्स। तब करंट भी फ्लो होने लगता है शॉर्ट सर्किट होने के कारण, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसी कारण क्या होता है? करंट भी फ्लो होने लगता है कंडक्टर्स में। फिर करंट फ्लो होने के वजह से कंडक्टर्स में रोटर एक्सपीरियंस करता है एक टॉर्क, तो यह जो डेवलप्ड टॉर्क होता है वो अपोज करता है कॉज ऑफ इंडक्शन को। इंडक्शन, ये हम जानते हैं कि जो बना होता है, जो उसका आउटकम होता है, वो हमेशा अपने सोर्स ऑफ इनकम को वो अपोज करने की कोशिश करता है, ट्राई टू डिक्रीज देयर सोर्स ऑफ इनकम। तो क्या होता है? दिस डेवलप टॉर्क अपोज द कॉज ऑफ इंडक्शन विच इज रिलेटिव स्पीड, जो कि रिलेटिव स्पीड है कॉज ऑफ इंडक्शन क्या है? रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर। तो ये क्या डेवलप टॉर्क किसको अपोज कर रहा है? रिलेटिव स्पीड को अपोज कर रहा है बिटवीन रोटर कंडक्टर्स एंड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर डेवलप टॉर्क एक्सेलरेट्स द रोटर। तो इसको रिलेटिव स्पीड को कम से कम करने की वजह से ये क्या करता है? डेवलप टॉर्क बढ़ाने लगता है, एक्सेलरेट करने लगता है किसको? रोटर को एक्सेलरेट करने लगता है इन ऑर्डर टू ट्राई टू ब्रिंग द स्पीड ऑफ रोटर टू सिंक्रोनस स्पीड। तो ये डेवलप टॉर्क क्या करने लगता है? यह रोटर की स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड की बराबर करने लगता है। तो फिर क्या होता है? अगर हम मान लेते हैं रोटर स्पीड nr है और स्टेटर फील्ड ns है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ns माइनस nr। एंड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ स्टेटर स्पीड एंड रोटर स्पीड होगी ना। ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होगी? डिफरेंस ऑफ स्टेटर स्पीड एंड रोटर स्पीड। स्टेटर पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से
किस स्पीड से घूम रही है, रोटेट कर रही है, सिंक्रोनस स्पीड से। और रोटर, उसकी रोटर क्या कर रहा है, डेवलप टॉर्क के कारण रोटर भी उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, सिंक्रोनस स्पीड को अटेन करने की कोशिश कर रहा है, रोटेटिंग फील्ड को कैच करने की कोशिश कर रहा है उसी की स्पीड पर। तो द ईएमएफ इंड्यूस्ड, और इसी प्रकार ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट एंड पावर आर प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव स्पीड। ईएमएफ इंड्यूस्ड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस डिफरेंस के, डिफरेंस ऑफ स्पीड के, करंट भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पावर भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। नाउ इफ द रोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाए फिर क्या होता है, रिलेटिव स्पीड बिकम्स जीरो। तो फिर उसे उसकी बराबर, रोटर क्या है उसी की गति से बिल्कुल, रिलेटिव स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, उसकी गति से चलने लगेगी, तो दोनों सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगे, दोनों स्पीड आपस में सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगी, रोटर की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगे, बिल्कुल एक हो जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा स्पीड में, रिलेटिव स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड भी जीरो हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड भी जीरो हो जाएगा, करंट भी जीरो हो जाएगा उसके, अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो हो गया तो करंट भी जीरो हो जाएगा, और करंट जीरो हो गया तो पावर भी जीरो हो जाएगी। इसलिए ये लिखा है, इफ द रोटर रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड देन रिलेटिव स्पीड बिकम्स जीरो, देयरफॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड करंट एंड द पावर आल्सो बिकम्स जीरो एंड हेंस द रोटर कैन नॉट रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। इसलिए क्या होता है कि रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चल पाता है, अगर पहुंचने की कोशिश करता है तो जैसे ही पहुंचता है वैसे ही उसकी क्या होती है, स्पीड कम करने लगता है। तो वही हम पढ़ रहे हैं, वही हम पढ़ेंगे आगे। देयरफॉर इफ द टॉर्क बिकम्स जीरो, अगर टॉर्क जीरो हो जाए यानी कि रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाए, तो फिर क्या होता है, रोटर डिसलरेट करने लगता है, रोटर डिसलरेट करने लगता है, सो द स्पीड अगेन डिक्रीजेस, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी टू अ वैल्यू, स्पीड रोटर की स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगी टू अ वैल्यू बिलो सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड से कम होने लगेगी। तो यही है प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन। तो चलिए कुछ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन मोटर। आप देख सकते हैं यह है इंडक्शन मोटर, यह ऊपर का पार्ट है, ये फ्रेम है, फ्रेम के अंदर सब कुछ रखा होता है, इसके अंदर स्टेटर, इसके पहले स्टेटर आता है, फिर उसके अंदर स्लिपिंग वुंड टाइप रोटर हो सकता है या फिर स्क्वायरल केज टाइप रोटर हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर आ रहा है। रोटर दो प्रकार के होते हैं, वुंड टाइप रोटर और इसे स्लिपिंग टाइप रोटर भी कहते हैं और स्क्वायरल केज टाइप रोटर। वुंड टाइप रोटर में इसमें वाइंडिंग लगी होती है, इसमें कंडक्टर्स डैम्पर कंडक्टर की तरह कंडक्टर्स लगे होते हैं, स्लॉट्स में कंडक्टर्स लगे होते हैं। तो अगला देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे आ रहा है, ये पूरा विद वुड रोटर, वुंड रोटर के साथ जो हमारी मोटर बनेगी, ये उसका डायग्राम है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह स्लिप रिंग्स, ब्रशेस, बेयरिंग्स, यह कनेक्टिंग बॉक्स, स्लिप रिंग एंड शील्ड, फैन भी लगा हुआ है, फैन एंड शील्ड, बेयरिंग भी लगी हुई है, शील्ड एंड फ्लिंच, वुंड रोटर ब्रश। और यह है मोटर विद इंडक्शन मशीन, विद थ्री फेज इंडक्शन मशीन विद स्क्वायरल केज रोटर। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आज के वीडियो यही समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।